खाना जा रहे हैं जलेबी, तो हम लेते हैं थोड़ी सी, एक कटोरी मैदा, सोडा, और इसमें खट्टापन लाने के लिए हमने थोड़ा दही लिया है। ईस्ट चाहिए हमको इसके लिए, इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कैसा हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अपना फूड कलर, उसके बाद ही हम करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा लम्प से रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे मेल्टिंग। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम बना लेते हैं अपने चाशनी। ये हमने एक कटोरी सूजी लिया, शक्कर लिया, और हमने एक गिलास पानी डाला। अब इसे उबलने देंगे अच्छे से, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए तब तक के लिए। देख रहे हैं हमारी चाशनी थोड़ी पिघल रही है, चाशनी बनने में थोड़ी रेडी होने में, पर अभी तो पानी है, पर अभी और उबालना है हमको अच्छे से। देखिए हमारा चाशनी रेडी होने को आया है। अब इसे बंद कर देते हैं, और हमारा तेल भी गर्म होने रख दिया है हमने इसको, हमको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। चलिए बैटर बनाते हैं, बैटर को उसमें डालते हैं। देखिए ये अब हम, ये कंप्लीट हो गया है, हमने ये पॉलिथीन लिया हुआ है, अब इसमें हम थोड़ा डाल लेंगे इसका बैटर। देखिए हमने ऐसा बना लिया है, अब हम इसको कढ़ाई में तलेंगे। बड़ी बना रही है, अब हम इसे पलटेंगे। अभी हमारी पक गई है, अब हम इसको डालेंगे चाशनी में। अभी हमारी चाशनी में डिप करेंगे अच्छे से। देखिए हमारी जलेबी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम थोड़ा सा इसमें गार्निश करेंगे, और ये बच्चों को बहुत जल्दी पसंद आएगी, और ये घर की होममेड है तो बच्चे आराम से इसको खा भी सकते हैं, नुकसान भी नहीं होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू।